शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों। मुंबई से अपने घर जा रहे एक युवक की शनिवार रात जौनपुर जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में उसका मौसेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलने से परिवार वालों में कोहराम मच गया है। मृतक की शिनाख्त अरगुपुर खुर्द सर्वेश कुमार गौतम 20 वर्षीय के रूप में हुई है। यह हादसा शाहगंज सुल्तानपुर मार्ग पर वड़ा गांव के पास यूनियन बैंक के नजदीक में हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार को दोपहर तेज गति से चल रही कार आगे से जा रही एक ट्रक में घुस गई, जिसके कारण कार में सवार दो महिलाएं सहित कार चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस भीषण दुर्घटना में एक बच्चे की जान बच गई है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कल्याण रेलवे पुलिस ने मोबाइल चोर को बचाने के लिए पुलिस टीम के सामने कपड़े उतारकर डांस करने वाली 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना कल्याण के करपेवाड़ी में हुई है। नवी मुंबई रेलवे रोड और भोकर पाड़ा स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका के जल शुद्धि केंद्र और मोरबे बांध से जुड़ी मुख्य जल वाहिनी की शिफ्टिंग और मरम्मत संबंध में 10 अप्रैल को किया जाएगा। 10 अप्रैल सुबह 10 बजे से 11 अप्रैल सुबह 10 बजे तक मोरबे जलाशय बंद रहेगा। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के आरोप में एक रैपर उमेश खाड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में खाड़े को पूछताछ के लिए भी बुलाया था। पुलिस के इस कदम की कांग्रेस विधायक भाई जगताप और NCP विधायक जितेंद्र आव्हाड ने निंदा की है। महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे जिले के काशीमीरा क्षेत्र में एक टेम्पो से 22 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की चोरी करने के मामले में गुजरात के एक युवक को पकड़ा है। ये घटना 30 मार्च की है, जब एक टेम्पो भिवंडी के एक गोदाम से जिले के भयंदर स्थित एक शोरूम में मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जा रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई टीम के बीच खेले जा रहे T20 मैच पर शहर के एक नामी होटल के सामने राजस्थान नंबरों की स्कॉर्पियो गाड़ी में क्रिकेट सट्टा लगाने का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस की टीम ने शनिवार रात करीब 12:30 बजे मौके पर पहुंचकर 4 सट्टेबाजों को धर दबोचा है और उनके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और 10,300 रुपये नकदी भी बरामद की गई है। मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण कोविड वॉर रूम फिर एक्टिव हो गए हैं। वहीं 8 अप्रैल तक मुंबई में सिर्फ कोरोना वायरस के 207 मामले दर्ज किए गए हैं और महाराष्ट्र में 542 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के काशीपुर गांव में शनिवार सुबह एक व्यक्ति ने अवैध संबंध के शक में बांके से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़े और आरोपी पति को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले में आरोपी पति के खिलाफ वजीरगंज थाने में हत्या व प्रताड़ना की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है।